2019 में गूगल के 53 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर साइकेमोर ने एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिर्फ 200 सेकंड में कर लिया, जिसे दुनिया के सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर जो समय आईबीएम के पास था को 10,000 साल लग जाते। इसे कहा गया क्वांटम सुप्रीमेसी, यानी क्वांटम कंप्यूटर्स का नॉर्मल कंप्यूटर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा हजारों लाखों गुना बेहतर होना। पर बाद में आईबीएम ने अपने बचाव में कहा कि 10,000 साल एक बहुत ही रॉन्ग प्रोजेक्शन है, रियलिस्टिकली इस कैलकुलेशन को उनके सुपर कंप्यूटर द्वारा 2.5 दिन में किया जा सकता है। पर कहां 2.5 दिन और कहां पे 200 सेकंड। फिर से अभी रिसेंटली जुलाई में ही खबरें आई थी कि साइकेमोर अब 70 क्यूबिट का हो चुका है और जो कैलकुलेशंस वो सेकंड्स में कर सकता है उसे अभी तक का सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर उसे करने में 47 साल लगेंगे। इन सब बड़े बड़े दावों से लग सकता है कि क्वांटम कंप्यूटर अब नॉर्मल कंप्यूटर्स की छुट्टी कर देंगे और कंप्यूटिंग हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्या सच में ऐसा होने वाला है? हाँ भी और ना भी। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे क्वांटम कंप्यूटर के सीक्रेट को। अभी रिसेंटली मैंने क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स पर एक एक्सप्लेनर वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नॉट टू वरी। इस वीडियो में हम उन सभी कॉन्सेप्ट्स को क्वांटम कंप्यूटर के रेफरेंस में समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वांटम कंप्यूटर को समझने के लिए हमें पहले कन्वेंशनल कंप्यूटर्स के बेसिक्स को समझना होगा। कंप्यूटर्स का दिमाग होता है प्रोसेसर, जिसमें होती है कंप्यूटर चिप, जो होती है सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी हुई, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम एक बहुत अच्छे कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बहुत स्मूथली कर सकते हैं, जिससे कंप्यूटर्स की कैलकुलेशंस बहुत आसानी से होंगी। तो कंप्यूटर चिप के कोर में होते हैं ट्रांजिस्टर्स, जो बनाते हैं डिफरेंट लॉजिक गेट, जो बनाते हैं मॉड्यूल्स। अब ट्रांजिस्टर्स बेसिकली एक ऑन ऑफ स्विच है। ऑन मतलब ओपन, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अलाउड, ऑफ यानी क्लोज्ड, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नॉट अलाउड। और ये इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है बिट्स ऑफ 0 एंड 1, और 0 और 1 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अलग अलग अल्फाबेट्स और सिंबल्स को 0 और 1 के अरेंजमेंट में, जिस लिहाज से कंप्यूटर उसे समझता है। तो अब इन ट्रांजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन बनाते हैं लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट बनाते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स। सबसे सिंपल टाइप का मॉड्यूल हो सकता है बेसिक ऑपरेशन के लिए, यानी 1+1 के लिए, और इसी तरह बहुत सारे मॉड्यूल पैरेलल में होते हैं, जिसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग कोई कंप्यूटर करता है। क्वांटम कंप्यूटर को समझाने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि क्वांटम कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटिंग का अल्टरनेटिव नहीं है, और वो हम वीडियो के आगे भी समझेंगे कि ऐसा क्यों है। क्वांटम कंप्यूटर हमेशा नॉर्मल कंप्यूटर को सप्लीमेंट ही कर पाएंगे, अनलेस हम उनका कोई और बेहतर एप्लीकेशन और बेहतर अल्टरनेटिव ढूंढ निकालें। तो क्वांटम कंप्यूटर में नॉर्मल कंप्यूटर बिट्स की जगह होते हैं क्यूबिट्स, और वो कन्वेंशनल बिट्स की तरह 0 और 1 पोजीशन नहीं, बल्कि 0 और 1 के बीच की ऑल पॉसिबल पोजीशंस में होते हैं, जिसे कहा जाता है सुपर पोजिशन, जो क्वांटम मैकेनिक्स का इनहेरेंट क्वालिटी है। यहाँ पर 0 है लो एनर्जी और 1 है हाई एनर्जी या एक्साइटेड स्टेट। तो क्यूबिट एक समय पर ही सारी 0 से 1 की सारी पॉसिबल स्टेट्स में एक साथ रहेगा। सुपरपोजिशन को हम एक स्पिनिंग कॉइन की तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब एक कॉइन स्पिन कर रहा होता है तो हेड और टेल की जगह हेड और टेल की ऑल पॉसिबल स्टेट्स में होता है। जब वो कॉइन घूमना बंद कर देता है तभी हमें डेफिनेटली पता चलता है कि वो सिक्के में हेड है या टेल। और इसी तरह जब क्यूबिट्स को मेजर किया जाता है तो उनकी ऑल पॉसिबल स्टेट्स से, यानी सुपरपोजिशन स्टेट से, उनको एक डेफिनेटिव स्टेट में आना पड़ता है, जिससे सुपरपोजिशन ब्रेक हो जाती है और हम क्यूबिट्स का आउटपुट मेजर कर पाते हैं। क्यूबिट्स का सुपरपोजिशन का जो क्वालिटी है वो रेवोल्यूशनरी है, इसलिए हम कम क्यूबिट से भी इनफाइनाइटली हाई स्पीड पर कैलकुलेशन कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 4-बिट का कंप्यूटर 2 to the power 4 कॉन्फ़िगरेशन, यानी 16 टोटल कॉन्फ़िगरेशन में रह सकता है, और इसके कंपैरिजन में 4 क्यूबिट्स जो सुपरपोजिशन में है, ऑल ऑफ देम कैन बी इन 16 कॉम्बिनेशन ऑल एट वंस। अब हम और क्यूबिट्स बढ़ाते जाएं तो कंप्यूटेशनल पावर इंक्रीज होती जाएगी। मोर क्यूबिट्स इक्वल मोर पोजिशंस। बट यहाँ पर क्लियर कर देना जरूरी है कि मोर सुपरपोजिशंस डज नॉट मीन मोर एफिशिएंसी, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास अब 53 क्यूबिट्स का क्वांटम कंप्यूटर है तो वो खरबों कैलकुलेशंस कर सकता है ऑल एट द सेम टाइम। ये तो क्वांटम कंप्यूटर्स की सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटर्स की दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिस पर की गई रेवोल्यूशनरी रिसर्च से 2022 का नोबेल प्राइज दिया गया था, जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करते हुए बताया था। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट एक तरह का वायरलेस कनेक्शन है, जिसके जरिए 2 या 2 से ज्यादा
क्यूबिट्स आपस में लिंक हो जाते हैं, और जब ये क्यूबिट्स एंटेंगलमेंट में होते हैं और आप एक क्यूबिट की प्रॉपर्टी चेंज कीजिए तो जितने भी क्यूबिट्स एंटेंगलमेंट में हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज़ एक साथ चेंज हो जाती हैं, नो मैटर व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द क्यूबिट्स। सो जब आप एक पेयर्ड क्यूबिट का आउटपुट मेजर करेंगे तो आपको एंटेंगल्ड क्यूबिट का आउटपुट अपने आप पता चल जाएगा विदाउट इवन ऑब्जर्विंग। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से, पहली सुपरपोजिशन और दूसरी क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से, क्यूबिट्स एक सिंक्रोनाइज स्टेट में होते हैं और एक साथ किसी कैलकुलेशन को करोड़ों खरबों गुना तेजी से कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मल कंप्यूटर एक इनपुट से एक आउटपुट देता है वन एट ए टाइम, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर एक इनपुट से सभी पॉसिबल आउटपुट्स दे सकता है ऑल एट द सेम टाइम। अब ये काम कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने क्वांटम कंप्यूटर में एक इनपुट दिया तो जो क्वांटम कंप्यूटर के क्यूबिट्स हैं वो अपने क्वांटम गेट्स, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर लॉजिक गेट्स को यूज करते हैं वैसे क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम गेट्स को यूज करते हैं, और ये यूज किया जाता है सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट के लिए, और इसके लिए उन्हें एज ए इनपुट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस दी जाती हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस की वजह से क्यूबिट्स चार्ज हो जाते हैं, उन्हें एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी को कहा जाता है क्वांटा, जैसे मैंने लास्ट के वीडियो में भी समझाया था। अब क्वांटम पार्टिकल की एक और क्वालिटी होती है कि उसका पोजीशन और मोमेंटम सही सही एक साथ नहीं समझाया जा सकता, उसे सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर ही समझाया जा सकता है, यानी क्वांटम पार्टिकल किस समय पर कहाँ है उसे हम ठीक ठीक नहीं बता सकते। इसीलिए हमेशा क्वांटम पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटोन को एक वेव फंक्शन की तरह एक्सप्रेस किया जाता है, यानी वो एक वेव फॉर्म में किस समय पर कहाँ होगा उसकी प्रोबेबिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, बट नॉट विथ वेरी हाई एक्यूरेसी। इसी प्रोबेबिलिटी फंक्शन को मेजर किया जाता है वेव इंटरफेरेंस से, जो दो तरह का हो सकता है। जब दो वेव्स आपस में एक दूसरे का आउटपुट डबल कर देती हैं, उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब दो वेव फंक्शन आपस में एक दूसरे के आउटपुट को जीरो कर दे, यानी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, तो उसे कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब किस क्यूबिट से किस तरह का आउटपुट लेना है उसे डिटरमाइन करते हैं क्वांटम एल्गोरिथम से, जिसके बारे में हमें एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर सिर्फ समझ लीजिए, जैसे नॉर्मल एल्गोरिथम किसी कंप्यूटर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तैयार करती है, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर में होती है क्वांटम एल्गोरिथम, जो ये तय करती है कि किस तरह का आउटपुट हमें चाहिए, जो कि हमें मिलेगा वेव इंटरफेरेंस से। क्वांटम एल्गोरिथम का काम होता है टू एलिमिनेट नॉइस, और ये एलिमिनेट कर देती है लेस प्रोबेबल आंसर्स को, और जब दो प्रोबेबल आंसर्स मैच करते हैं तब वो फिर से प्रोसेस किए जाते हैं, और इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है जब तक कि एक राइट आंसर या कंसिस्टेंट आउटपुट हमें नहीं मिल जाता विद सफिशिएंट एक्यूरेसी। पर इस काम को करने में बहुत सारा समय नहीं लगता क्योंकि क्यूबिट्स ऑल एट द सेम टाइम अपना काम कर रहे हैं, सुपरपोजिशन में हैं, एंटेंगलमेंट में हैं, तो सारा काम एक साथ एक सिंक्रोनाइज्ड वे में कर सकते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को करने में कुछ सेकंड्स का ही समय लगता है। और एल्गोरिथम का काम होता है ऐसी प्रोबेबिलिटी जनरेट करना जिससे क्यूबिट जब सुपरपोजिशन से कोलैप्स करें तो वो सिर्फ प्रोबेबल आंसर को ही दें। अब बात करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्यों दिखते हैं और इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं। उसका रीजन है मेजॉरिटी ऑफ द क्वांटम कंप्यूटर में जो आप देखते हैं वो होता है उसका फ्रीजर, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर को रखा जाता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर। अब ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि क्यों उसे रखने की जरूरत है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर, और वो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर है इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा ठंडा टेम्परेचर। तो क्वांटम कंप्यूटर को एब्सोल्यूट जीरो के बहुत पास रखा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो यानी -273 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि क्यूबिट्स या क्वांटम पार्टिकल नॉइस से बहुत ससेप्टेबल होते हैं, और आपने पढ़ा होगा या सुना होगा जितनी ज्यादा हाई टेम्परेचर होती है उतना ही ज्यादा पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो अगर उन्हें एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर में रखा जाएगा तो पार्टिकल्स का मूवमेंट और उनसे जो एनर्जी निकल रही है, एनर्जी ऊज आउट हो रही है, वो भी मिनिमम हो जाएगी। और क्वांटम कंप्यूटर यूज करते हैं सुपर कंडक्टर्स, जिन्हें चाहिए होता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर और मिनिमम डिस्टर्बेंसेस, इसीलिए लो टेम्परेचर यूज किया जाता है। और इसका एक और फायदा है कि वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो भी बहुत ही कम मिनिमम हो जाएंगे, तो जो आउटपुट हम मेजर कर पाएंगे वो बहुत कंसिस्टेंट होगा। तो क्यूबिट्स को हमें रखना पड़ता है इस एब्सोल्यूट जीरो के आसपास में उनसे एक ढंग का आउटपुट लेने के लिए। जितने भी क्वांटम कंप्यूटर आपने पिक्चर्स में देखे होंगे उनमें जो बहुत बड़ा ऊपर का पार्ट होता है जिसे कहा जाता है फ्रीजर, और क्वांटम कंप्यूटर को इतना ठंडा रखने के लिए यूज किया जाता है लिक्विड हीलियम, जिसका टेम्परेचर होता है अप्रॉक्सीमेटली -270 डिग्री सी। तो जब हम क्वांटम कंप्यूटर को एक्सट्रीमली चिल्ड रख रहे हैं तो हम कम से कम आउटर एनर्जी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिस्टम में, जिससे क्यूबिट्स का इनकरेक्ट जंप या क्वांटम स्टेट को मेंटेन रखा जा सकता है।
अदरवाइज क्यूबिट्स आर वेरी ससेप्टेबल टू लूजिंग सुपरपोजिशन। और जो वायर्स आप देखते हैं क्वांटम कंप्यूटर के आसपास में, वो वायर्स में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस दी जाती हैं जो सबसे नीचे जाती हैं क्वांटम कंप्यूटर के प्रोसेसर यानी जहां पर क्यूबिट्स होते हैं उन तक, जिन्हें रखा जाता है ऑलमोस्ट जीरो केल्विन पर। तो इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर को शायद हम नियर फ्यूचर में हर घर में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इतना जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर है उसको घर घर में जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटम कंप्यूटर को हम मोस्ट लाइकली नियर फ्यूचर में भी देख पाएंगे सिर्फ एज अ क्लाउड कंप्यूटर की तरह, यानी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह, जिससे आपको कंप्यूटिंग पावर मिलेगी। और अगर आप इसको ध्यान से सोचे तो हमें क्वांटम कंप्यूटर्स की घर घर में जरूरत है भी नहीं। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी जाती है जिसे एक यूट्यूबर क्लियो अब्राहम ने दिया था कि अगर नॉर्मल कंप्यूटर एक कार है तो क्वांटम कंप्यूटर रेसिंग कार नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर एक बोट है जो अलग पर्पस के लिए यूज की जाती है, क्योंकि कार आप अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं और बोट आप बिल्कुल अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो क्या है क्वांटम कंप्यूटर का मेजर एप्लीकेशन, कहां पर यूज किए जाएंगे अगर नियर फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर का एप्लीकेशन हमें मिला? तो अभी तक क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज में ही है। जो भी आप क्वांटम सुप्रीमेसी की खबरें पढ़ रहे हैं कि 200 सेकंड में एक कैलकुलेशन कर दी गई जिसे 47 साल लगते या 50 साल लगते या 10,000 साल लगते, वो रियल वैल्यू कैलकुलेशन नहीं है। तो अगर कल को इस तरह के क्वांटम कंप्यूटर डेवलप कर पाए जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज हो सके, तो उनका सबसे बेहतर यूज किया जाएगा साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में किसी भी कैलकुलेशन को यानी एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को करने में बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर लगती है। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंप्यूटर है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सेकंड्स में कर पा रहा है, हम मल्टीपल लेवल ऑफ एनक्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं जिसे तोड़ने के लिए हमें उसी लेवल का क्वांटम कंप्यूटर लगेगा जो हर किसी के पास नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा एप्लीकेशन क्वांटम कंप्यूटर का है बेहतर सिमुलेशंस क्रिएट करने के लिए, और सबसे बेहतर एग्जांपल है क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए ही, क्योंकि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि क्वांटम वर्ल्ड की बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिन्हें हम अभी तक सुलझा नहीं पाए। तो अगर हम क्वांटम कंप्यूटर की मदद से ही हम क्वांटम वर्ल्ड को सिमुलेट कर पाएं तो जितनी भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं उनको सुलझाने में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। सिमुलेशन से ही रिलेटेड अगला एप्लीकेशन है ड्रग डिज़ाइन या वैक्सीन डेवलपमेंट में। किसी भी नॉर्मल कंप्यूटर को किसी एक मॉलिक्यूल को सिमुलेट करने में बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है। तो अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को के मल्टीपल सॉल्यूशंस को ऑल एट द सेम टाइम कर सकते हैं तो ड्रग डिजाइन या वैक्सीन डेवलपमेंट हम फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कर पाएंगे, एक साल या दो साल या दस साल के मुकाबले। अगर क्वांटम कंप्यूटर इनफाइनेटली फास्टर हो गए तो हम क्वांटम कंप्यूटर से एक कम्प्लीटली सिमुलेटेड यूनिवर्स भी बना सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग अभी तक इस बात को एक साइंस फिक्शन समझेंगे, बट अगर हमें कल को एक पूरा सिमुलेटेड यूनिवर्स बनाना जिसके बारे में मैंने अपने सिमुलेशन हाइपोथेसिस वाले वीडियो में बात की थी, तो उसके लिए भी हमें क्वांटम कंप्यूटर जैसे सुपर पावरफुल अल्ट्रा पावरफुल कंप्यूटर की ही जरूरत पड़ेगी। पर तो भी नॉर्मल एवरीडे प्रॉब्लम्स के लिए हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं वो मोर देन इनफ है अगले काफी सालों के लिए। तो हमें नॉर्मल एवरीडे कंप्यूटिंग के लिए क्वांटम कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप वरिड हैं कि क्या क्वांटम कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर्स को रिप्लेस कर देंगे, तो शायद नहीं, हमें उसकी कोई जरूरत अभी नहीं है। बट हम कितना ही जानते हैं फ्यूचर के बारे में। जब कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट 50 साल पहले किया गया था तो किसी को नहीं पता था कि कंप्यूटर किस किस चीज के लिए यूज हो पाएंगे, और आज हम जिस तरह के कंप्यूटर्स को यूज कर पा रहे हैं वो किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो यू नेवर नो, हो सकता है क्वांटम कंप्यूटर एवरीडे कंप्यूटिंग भी बन जाए। अगर हम इस तरह का सुपर कंडक्टर ढूंढ निकालें जो रूम टेम्परेचर पर भी अपना काम बखूबी कर ले। इस तरह के स्पेकुलेशन अभी रिसेंटली बने थे कि एक सुपर कंडक्टर मटेरियल LK99 रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिंग पावर दे रहा है, बट सैडली ऐसा हुआ नहीं। LK99 वॉज जस्ट लाइक अ नॉर्मल कंपाउंड जो सुपर कंडक्टिंग पावर दिखा रहा था सिर्फ अपने इम्प्योरिटीज की वजह से। तो अगर हमें फ्यूचर में रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर मिल जाता है तो शायद एक पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है हर घर क्वांटम कंप्यूटर के लिए, अदरवाइज नहीं। बट जैसा मैंने अभी बताया कि कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं है और क्वांटम कंप्यूटर अपने बहुत ही शुरुआती दौर में है, और क्वांटम कंप्यूटर के साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू नॉइस। इतना कोल्ड टेम्परेचर, यूनिवर्स का सबसे ठंडा टेम्परेचर होने के बाद भी जो क्यूबिट्स क्वांटम कंप्यूटर में होते हैं वो बहुत आसानी से अपनी सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट को लूज कर देते हैं, जिससे उनके मेजरमेंट्स को एक्यूरेट बनाने के लिए बार बार
कैलकुलेशंस किए जाते हैं, और जितने ज्यादा क्यूबिट्स का कंप्यूटर होता है उतना ही एरर का परसेंटेज और ज्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि उतने ज्यादा क्यूबिट्स को एक साथ एट अ टाइम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट में होना होगा, और वो एक साथ ही उस पोजिशन को, उस क्वांटम प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, जिसे कहा जाता है डीकोहरेंस। तो इस डीकोहरेंस को मिनिमाइज करना सबसे बड़ा चैलेंज है क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए। जैसे हमने बात की थी कि क्वांटम कंप्यूटर हैं एक नाव या बोट, पर यू नेवर नो, बोट को हवाई जहाज और हवाई जहाज को रॉकेट बनने में देर नहीं लगती। तो हमें नहीं पता कि हो सकता है क्वांटम कंप्यूटर बहुत निकट भविष्य में ही बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और हमारे 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज साबित हो। क्या आप अभी भी क्वांटम टर्म्स को लेकर कंफ्यूज हैं? समझ में नहीं आया कि क्वांटम वर्ल्ड या क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करता है? तो ये वीडियो अभी तुरंत जाकर देख लो, जिसमें मैंने क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स को बहुत ही सरल भाषा में समझाया, और उसके बाद आप इस क्वांटम कंप्यूटर के वीडियो को दोबारा देख, तो आपको शायद ज्यादा बेहतर तरीके से ये चीज समझ में आएगी। अभी यहाँ क्लिक करके देख लीजिए।